हेलो फ्रेंड्स, आज हम किचन वेस्ट से ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाना सीखेंगे। तो दो तरीके हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने के, एक आउटडोर और एक इंडोर। पहले हम आउटडोर की बात करते हैं। तो आउटडोर कंपोस्ट के लिए हमें कोई गार्डन या स्पेस चाहिए जहां हमारे पास मिट्टी हो। तो हम इस मिट्टी में थोड़ी सी जगह बना के खोद के हम इसमें बची हुई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के छिलके डाल सकते हैं और हमें इसे बस ढक के रख देना है। हमें ये ध्यान रखना है इसमें प्लास्टिक या मीट प्रोडक्ट ना डालें क्योंकि उसे कंपोस्ट बनने में काफ़ी टाइम लगता है। हम इसमें थोड़ी सूखी घास और ये पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं। ये एज अ कार्बन फिल्टर काम करता है और इससे स्मेल नहीं आती हमारे कंपोस्ट से। हम अपने इस कंपोस्ट को, इस मिट्टी को 2-3 महीने ऐसे ही रखेंगे, पानी डालते रहेंगे और बहुत अच्छा कंपोस्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं इंडोर कंपोस्ट की। तो इंडोर कंपोस्ट को हम पॉट में बनाएंगे। उसके लिए हमें एक पॉट चाहिए जिसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो। आप कोशिश करें कि सीमेंट या टेराकोटा पॉट में ही कंपोस्ट बनाएं, उसमें ज़्यादा अच्छा बनता है। कंपोस्ट बनाने के लिए गार्डन सॉइल, घास और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का सारा वेस्ट, कुछ भी वो चलेगा। इसके अलावा हम चाय की पत्ती, कॉफ़ी का बचा हुआ वेस्ट, चपाती, कर्ड और कोई भी वेस्ट फूड हम सब यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ सूखी पत्तियाँ, ये भी हम यूज़ करेंगे। और ये और बचा हुआ मेरे पास जो किचन वेस्ट है वो भी है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्लास्टिक वेस्ट बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये डिकम्पोज नहीं होगा तो हमारा कंपोस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो प्लास्टिक वेस्ट या मीट प्रोडक्ट डालने से आप बचें क्योंकि उसे भी डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है। किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेशेंस। तो 2-3 महीने लग जाते हैं कंपोस्ट बनाने में किचन वेस्ट से, तो आपको पेशेंस रखना होगा। अब हम अपने पॉट में 2-3 इंच सबसे नीचे एक लेयर सॉइल की रखेंगे। सॉइल की लेयर के बाद अब हम एक लेयर किचन वेस्ट की डालेंगे। किचन वेस्ट को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालना चाहिए जिससे हमारा कंपोस्ट जल्दी बने। और हमें इसमें ऐसे पीसेस नहीं डालने चाहिए जिसे गलने में या डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लगे, जैसे ये, इसे हम नहीं डालेंगे। हमारे पास जितनी ही वैरायटी होगी किचन वेस्ट की, हमारे न्यूट्रिएंट्स उतने ही ज़्यादा होंगे कंपोस्ट में। तो आप डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को डालें। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसमें 1 कप दही डाल दें क्योंकि उसका बैक्टीरिया बहुत ही हेल्प करता है कंपोस्ट के प्रोसेस को फास्ट करने में। ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हो सकता है हमारे पॉट से कुछ लीकेज हो, तो आप इस पॉट के नीचे कोई कंटेनर ज़रूर रखें और जो कुछ भी लीक हो उसे वापस इसी पॉट में डाल दें क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारा कंपोस्ट अच्छा बनेगा। अब हम इसके बाद कुछ सूखी पत्तियां और घास डाल देंगे। इससे हमारे कंपोस्ट से स्मेल नहीं आएगी और इससे नाइट्रोजन भी ऐड होगा हमारे कंपोस्ट में। तो ऐसे घास की लेयर हम ऐड कर देंगे। इस घास के ऊपर हम एक लेयर सॉइल की थोड़ी सी और डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे फिर से सॉइल के लेयर से कवर कर देंगे जिससे इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे। आप इसी प्रोसेस को, इसी 3 लेयर को दोबारा रिपीट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कंपोस्ट बनानी है। तो हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और हमें इसे कवर करके रखना है जिससे कि इसका मॉइस्चर मेंटेन रहे। 2 हफ्ते बाद हम देखेंगे तो कुछ ऐसा हो गया। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें हर 15 डे पे अपने कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स करना है जिससे कंपोस्ट जल्दी बने और अच्छा बने। 1 मंथ बाद हम देखेंगे इसमें कुछ सीड्स भी जर्मिनेट हुए हैं जो हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाले थे। और अगर आपको इसमें कुछ कीड़े दिखें तो आप घबराएं नहीं क्योंकि वो कंपोस्ट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। वो कंपोस्ट की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, एक अच्छा खाद बनेगा हमारा। आप इसे फिर से मिक्स कर दें। 45 डेज बाद आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप कोशिश करें कि कंपोस्ट में ना ही ज़्यादा पानी रहे ना ही कम, और आपको इसमें वाइट वॉर्म्स दिखें तो कोई बात नहीं, दे आर गुड फॉर योर कंपोस्ट। 2 मंथ्स बाद मेरा कंपोस्ट कुछ ऐसा दिख रहा है और इसमें कुछ ही वाइट वॉर्म्स भी दिख रहे थे। 3 मंथ्स बाद आप देखेंगे तो हमारा कंपोस्ट कुछ ऐसा हो गया है और अब ये पौधों में डालने के लिए बिल्कुल रेडी है।
मैंने इसमें कुछ काऊ डंग और मिट्टी थर्ड मंथ में ऐड कर दी थी, जिससे कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर और ह्यूमिडिटी पे और किस टाइप का किचन वेस्ट है, तो ये भी हो सकता है कि आपके कंपोस्ट को बनने में ज़्यादा टाइम लगे, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। चलिए अब हम इसी कंपोस्ट से और कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये मैंने एक पॉट रखा हुआ है छत पर ही, जो भी हमारा वेस्ट होता है गार्डन वेस्ट मैं इसमें इकट्ठा करता हूँ और इसमें पानी और मिट्टी ऐड करता रहता हूँ। तो ये मेरी लास्ट लेयर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ऐसी कई लेयर बनाई हुई हैं इसमें। और मिट्टी के बाद हम इसमें कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो ये इससे ये फ़ायदा होगा कि ये हमारा कंपोस्ट बहुत ही जल्दी बनेगा। तो आप अपने जो गार्डन है, गार्डन का वेस्ट कुछ भी ना फेंकें, सारा कलेक्ट करते रहें किसी पॉट में, तो वो अपने आप ही एक बहुत बढ़िया कंपोस्ट बन जाएगा। बस आपको कुछ दिनों तक इसमें पानी डालते रहना है। और हम इस कंपोस्ट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं पौधों में, और अब हम इसे मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो मिट्टी में मिलाने से क्या होगा, इस मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से ऐड हो जाएंगे, और जिस पॉट में भी हम इस मिट्टी को डालेंगे तो पूरी ही पॉट में इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे उस प्लांट के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें कि घर पर हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट कैसे बनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।